नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज, मैं हूं आपके साथ अभय। नूर की एक किरण जुल्मात पर भारी होगी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। जी हां, शिवराज सिंह चौहान का आक्रामक अंदाज है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मामा फॉर्म में है और एक बार फिर से उनके फॉर्म ने बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी के छक्के छुड़ा दिए हैं। उन्होंने दीदी नाम को अपने आक्रामक अंदाज में डीकोड कर दिया है और इस डिकोडिंग के बाद ममता बनर्जी को दीदी बोलना अब पहले जैसा नहीं रह जाएगा। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, आपको दिखाते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया, 10 साल में तबाही की, फिर रास्ते पर ममता बनर्जी ले गए। मुझे तो दीदी का एक दूसरा अर्थ भी समझ में आ रहा है। दीदी का अंग्रेजी में लिखे तो DIDI, अब DIDI चार अक्षर है, इनका मतलब जब मैं देखता हूं तो डी मतलब डिक्टेटर तानाशाह। दीदी तुम तानाशाह हो गई हो और इस तानाशाह को मैं चेतावनी देता हूं, ये खून और हत्या करवाने वालों, टीएमसी के गुंडो और ममता दीदी सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है। नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। लेकिन डीओ मतलब डिक्टेटर तानाशाह, बताओ दीदी तानाशाह है कि नहीं है? ये तानाशाही नहीं चलेगी। आई मतलब इनसेंसिटिव, असंवेदनशील, लोगों की चिंता ही नहीं है। डी मतलब डीड, भय पैदा करना, और आई मतलब इनकम्पिटेंट, मतलब अयोग्य। आज मैं कह रहा हूं इस मंच पर मौन आगे खड़े होकर, ममता दीदी तुम अक्षम और अयोग्य हो, तुमने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है, तुम्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। ये दीदी है, अगर दीदी कहता हूं, मेरे मन में तो दीदी का ये चित्र नजर आता है। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।